श्रीलंका सरकार द्वारा लिट्टे नेता वेलु पिल्लई प्रभाकरण की मौत की घोषणा के 14 साल के बाद अब एक नई चर्चा ने जन्म ले लिया है। तमिल नेता पाझा नेदुमारन ने सोमवार को दावा किया कि प्रभाकरण ठीक है और अब उसके सामने आने के लिए अनुकूल माहौल है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय ने दावे को मजाक बताकर खारिज कर दिया है और प्रभाकरण के 2009 में मारे जाने का दावा करने के लिए डीएनए सबूत का हवाला दिया है। श्रीलंका के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता कर्नल नलिन हिराथ ने कहा कि इस बात की पुष्टि हो चुकी है कि वो 19 मई 2009 को मारा गया था। डीएनए ने इसे साबित कर दिया है। तमिल राष्ट्रवाद की विचारधारा का समर्थन करने वाले तमिलनाडु के नेताओं ने पिछले सालों में कई बार दावा किया कि प्रभाकरण जिंदा है। एमडीएमके प्रमुख वाइको ने भी कुछ साल पहले कहा था कि प्रभाकरण जीवित है। इस तरह के दावों को श्रीलंका में तमिल की उम्मीदों को जीवित रखने के प्रयास के रूप में देखा गया था। लिट्टे नेता वी प्रभाकरण के जिंदा होने के दावे को लेकर श्रीलंका सरकार की प्रतिक्रिया सामने आई। श्रीलंका के विदेश मंत्री अली साबरी ने एक निजी चैनल को बताया कि मंत्रालय रिपोर्ट की जांच करेगा। सोमवार को वर्ल्ड कॉन्फेडरेशन ऑफ तमिल्स के अध्यक्ष पी नेदुमारन ने तमिलनाडु में एक बयान जारी कर दावा किया कि प्रभाकरण अभी जिंदा है और स्वस्थ है। श्रीलंकाई सेना के प्रवक्ता ब्रिगेडियर रवि हिराथ ने प्रभाकरण के जिंदा होने से साफ इनकार कर दिया। वेलु पिल्लई प्रभाकरण एक श्रीलंकाई तमिल गुरिल्ला और लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम यानी लिट्टे का संस्थापक था। लिट्टे को आतंकी संगठन कहा जाता है। लिट्टे यानी लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलम ने लगभग 3 दशकों तक अपनी दहशत से लोगों को डरा कर रखा था। इसके बाद श्रीलंका सरकार और सेना ने 2009 में लिट्टे चीफ प्रभाकरण को मौत के घाट उतार दिया था। प्रभाकरण की मौत को लेकर अलग अलग मीडिया रिपोर्ट सामने आती रही हैं। किसी में कहा गया कि प्रभाकरण ने सैनिकों के बीच घिरे रहकर खुद को गोली मार ली थी। कई रिपोर्ट्स में कहा गया कि वो सैनिकों की गोली का शिकार हो गया। प्रभाकरण पर पूर्व पीएम राजीव गांधी की हत्या की साजिश करने का आरोप है। इसके अलावा वो श्रीलंका के एक और राष्ट्रपति की हत्या का प्रयास, सैकड़ों राजनीतिक हत्याओं और 25 आत्मघाती हमलों का जिम्मेदार है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जब प्रभाकरण भारत श्रीलंका समझौते को एक मौका देने के लिए तैयार हो गया था तो राजीव गांधी बहुत खुश हुए थे। प्रभाकरण के घर से निकलते समय उन्होंने राहुल गांधी से बुलेट प्रूफ जैकेट लाने के लिए कहा जो उन्होंने प्रभाकरण को दी ताकि वो किसी भी तरह से हमले से बच जाए। कहा जाता है कि राजीव गांधी ने उसकी जुबान पर भरोसा कर लिया था और बदले में प्रभाकरण ने उनकी ही हत्या का आदेश दिया था। एक कहानी यह भी कहती है कि अंतिम दिनों में श्रीलंका की सेना और प्रभाकरण के टाइगर्स के बीच भीषण युद्ध हुआ। प्रभाकरण के तमिल गुरिल्लाओं को पहले भी आदेश था कि किसी भी स्थिति में वो पकड़े ना जाएं। ऐसा कोई भी मौका आने पर वो साइनाइड की कैप्सूल खाकर जान दे दे। इसी आदेश का नतीजा था कि लिट्टे का हर गुरिल्ला फाइटर जहर के कैप्सूल की माला गले में रखता था। खुद प्रभाकरण के गर्दन में भी काले धागे से एक साइनाइड कैप्सूल टंगा रहता था। प्रभाकरण इसे अपनी शर्ट की जेब में एक आइडेंटिटी कार्ड की तरह रखता था। 18 मई 2009 को सुबह 3 बजे प्रभाकरण के बेटे चार्ल्स एंथनी ने सेना का घेरा तोड़ने की कोशिश की लेकिन नाकाम रहा और मारा गया। इस दौरान 100 लिट्टे के लड़ाके मारे गए। 18 मई को शाम को नंदीकादल लगून में झड़पें हुई। प्रभाकरण के 30 सबसे विश्वासमंद साथी और खुद प्रभाकरण ने नंदीकादल लगून यहां से निकलने की कोशिश की लेकिन श्रीलंकाई सेना चप्पे चप्पे पर मौजूदगी बनाए रखे हुए थी। श्रीलंका की सेना के कर्नल जीवी रविप्रिया लगातार आगे बढ़ रहे थे। अगले दिन यानी कि 19 मई को आखिरी लड़ाई का वक्त था। प्रभाकरण खुद मोर्चा संभाले हुए था। दोनों ओर से लड़ाई छिड़ी हुई थी। धीरे धीरे लिट्टे का मोर्चा कमजोर होने लगा और उधर से गोलियां चलनी बंद हो गई। श्रीलंका की सेना वहां घुसी तो लिट्टे टाइगर्स के शव बिखरे पड़े थे। श्रीलंका सेना का दावा है कि इसी दौरान उसके एक सैनिक सार्जेंट मुथु ने एक ऐसी बॉडी देखी जो मीडिया में मौजूद प्रभाकरण की तस्वीरों से मेल खाती थी। बाद में कर्नल जीवी रविप्रिया ने पुष्टि करते हुए कहा कि यह डेड बॉडी है प्रभाकरण की। 19 मई को 12:15 बजे आर्मी कमांडर सरत फोनेस्का ने भी वी प्रभाकरण के मौत की आधिकारिक घोषणा की। बाद में लिट्टे ने भी माना कि उनके अतुलनीय नेता शहीद हो गए। श्रीलंका की सेना का भले ही कहना हो कि प्रभाकरण मारा गया है लेकिन ये व्यक्ति अफवाहों में हमेशा जिंदा रहा है।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।